खुल जा सिम सिम। चलो हम लोग आगे जाते हैं। हम लोग बुरी तरह से यहाँ पे आके फंस गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, हम जा रहे कहाँ जा रहे भाई? छोटू महाराज रानी पोखरी में जो नया खुला है, वहाँ के बारे में सब बताएंगे कैसा है। हाँ, वहाँ पे जितनी भी वैरायटीज होगी खाने की वो भी दिखाएंगे, प्राइसेस वगैरह सब विजिबल होगी सारी चीजें। ये हमारे भाई हैं, चाचा के लड़के, ये हमारी चाची है, और ये हमारे बड़े जिया जी हैं जो मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। और अब दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, सारे बने रहना ब्लॉग में, मजा आने वाला है। हम बताएंगे आपको जितने भी खाने की डिशेज होंगी, लालच आएगा मुझे बताया आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी दिखाएंगे, चलो ठीक। हाँ, ज्यादा नॉलेज चाहिए तो भाई है हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेस्टोरेंट जो एक्सप्लोर ना हो। हाँ, भाई सारी जगह जा रहे हैं यहाँ पे। चलो अब दिखाते हैं आपको वहीं पे डायरेक्ट, बाय। और मैं दिखाता हूँ कौन कौन जा रहा हमारे साथ बाहर कब। ये भी है वो दीदी, दीदी दीदी, हेलो हेलो कर दो सारे के सारे एक बार। सारे बने रहना। हेलो, ये दीदी, ये दीदी, दीदी दीदी, सारे सारी दीदी है हमारे, ये हमारे जिया जी हैं। चलो चलो यार, चलो चले, चलो भाई अभी दिखाएंगे, अब थोड़ी देर में माँ का। तो भाई आज हम खाना खाने का, हमारा जो प्लान है चेंज हो चुका है, 7-Eleven में आए। चलो भाई फटाफट ऑर्डर दे दो, भूख लग रही है। ऑर्डर दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया। और ये हमारी जनता है आज की। सारे हेलो कर दो एक बार। चलो फोटो भी ले ही लेता हूँ, ऐसे खड़े हो जाओ सारे। ये हमारी स्वीट फैमिली है, नी खींचनी फोटो, नी खींचनी, छोड़ो यार इन्हें, इनकी फोटो नहीं लेंगे हम, खाना खाने जाएंगे। चलो भाई ऐसे में एक एक करके जाओ, फोर्थ फ्लोर चिकन वाले भी हमारे पास, खुल जा सिम सिम। चलो हम लोग आगे जाते हैं, बस बस रुक जाओ, यही देखते हैं गाइस क्या सीन है यहाँ का। उसको पकड़, जिया जी इधर बैठेंगे, लेडीज पार्टी सब अंदर कर दो। बहुत कैड़ा व्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको रानी पोखरी यहाँ से। 8-10 अब आया फोकस तगड़ा, अब इसमें लग रहे हैं हम चमकदार। वैसे तो मैं बहुत गोरा हूँ, अब और चार चांद लग गए। हाँ, अब और चार चांद लग गए। ये देखो मेरे साथ, ये हमारी दीदी है, वो भी दीदी है। वहाँ डिस्कशन चल रहा है कितने लोग हैं, क्या है, कहाँ बैठेंगे। हमें तो यही जगह चाहिए, खुले आसमान पे। और ये मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा दिख रहे, तो खुला है इसीलिए है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे रानी पोखरी। अच्छा, तो यहाँ से दूसरे प्लान में थोड़ा चेंजेस हो गया, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। आजा, अरे ऐसे ऐसे करो। हाँ, ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो भाई ये रानी पोखरी का 7-Eleven है। हमारा प्लान में थोड़ा चेंजेस हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे आए हैं छोटू महाराज की जगह 7-Eleven में।
जी हाँ जी, नॉन वेज वाले हो ना आप तो? हजार लोग ब्राह्मण है ना, उनके सामने मत बोलो हम तो हैं ब्राह्मण। जो जो कौन कौन है अभी हमारा प्लान चल रहा है, जो पंडित लोग हैं वो बैठे वहाँ बैठेंगे, जो ब्राह्मण है हम कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए हम तो हमारा सीन सेट है। मैं दिखाता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्राह्मण होने का भी भाई बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसे, चिकन नहीं खा सकते थोड़ा सा, बाकी तो और कुछ नहीं है भाई। व्यू अच्छा है, चलो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर होगा, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये फोटो की डिमांड करते हुए चला जा, ये मेरी सगी बहन है, सकल सकल मिल रही, ये मेरे लिए लाती है मिठाई विठाई भी लाती है, चॉकलेट्स भी लाती है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर आप भी मेरे बड़ा भाई, छोटी बहन, गलत फहमी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो भाई दिखाएंगे अब आपको, खाना वाना भी दिखाएंगे, अभी थोड़ा देखते हैं कौन कहाँ बैठ रहा है। चला आना जिया जी, इधर बैठेंगे यार, अभी खींचते ना खाना। तो अभी हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बेसिकली मैं वेजिटेरियन में चला टाइम पर, और जो नॉन वेजिटेरियन वाले हमारे जिया जी लोग उनके साथ खाएंगे, वो लोग खाएंगे, हम लोग खाएंगे, देखना यार सब कुछ मज़ा आने वाला है। दिखा दिया मैंने आपको 7 को, एक बार ऊपर का फ्लोर भी दिखा दो कि मेरी कैमरामैन मेरी बहन के साथ आज तक। अरे जिया जी, तो भाई अब हम बैठ चुके हैं जिया जी के साथ। कब है आपका नेक्स्ट प्लान, जब आपकी शादी पड़े। जिया जी अगर कुछ टाइम और रुक जाए तो ये मेरा रिश्ता पक्का करवा के ही मानेंगे। और तो क्या है, मजे ले रहे जिया जी, मैंने आपको सिफारिश आ कर दी है। जल्द से जल्द ढोल लगाड़े बजवाए। ये हमारे जिया जी बहुत मस्त है, हम इनके साथ बहुत, जब भी आते हैं हम बहुत घूमते हैं, और अब जल्दी से जल्दी बुलाएंगे हम जिया जी को ताकि नेक्स्ट जो है मस्ती हम कर सकें। मैं आप वहाँ पे जितने वहाँ पे जेंट्स हैं वो सारे के सारे पत्नी प्रेमी हैं कह सकते हैं, वहाँ पे जितने आप जेंट्स देख रहे हैं वो सारे पत्नी प्रेमी हैं, और हमारे जिया जी हैं बिल्कुल मस्त सिस्टम है जिया जी का, बड़ा तगड़ा सिस्टम है यूपी में। और बस कुछ नहीं यार, बाकी देखते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको, खाना पीना जो भी होगा, बस बने रहना पूरे ब्लॉग। हमारा तो खाना आ चुका है, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है हमारा, मशरूम चिकन बटर रोटी नॉन विदाउट रोटी नॉन बटर रोटी। ये हमारी बहन, ये हमारे जिया जी, वो लोग वेट कर रहे हैं, उनका भी आ गया खाना, पर हमने हमारी स्पेशल डिमांड थी कि हमें जल्दी खाना पहुँचाया जाए वरना आपके अच्छा नहीं होने का, तो इन्होंने इसी डर के कारण जो है हमारे पास पहली सर्विस पहुँचा दी। तो क्या अच्छा इनका नहीं खाना अभी, अब आया ना मोबाइल, पहले हमारा आया ना। अब देखते खाना वाना बताएंगे कैसा खा के। चलो जी आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमने खाना खा लिया, खाना भी फिनिश कर दिया, बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ यहाँ पे 7-11 में फैमिली के साथ, बढ़िया है, खाना खाओ। एफ खड़ा है वहाँ पे, गौर से देखिए इन सबको, हो गया सब, तो भाई इतना ही था ब्लॉग में, तो हम यहाँ खाना खाने आए थे, खा लिया, अब मज़े करेंगे, घर जाएंगे, फिर थोड़ा काम धंधा करेंगे, फिर सो जाएंगे, ऐसे ही है, और कुछ तो है नहीं, बाकी देखना नेक्स्ट ब्लॉग में देखते जो भी होगा, अगर कुछ होगा बीच रास्ते मैं दिखा दूंगा, बाकी वरना इतना ही था, ठीक है। 7-11 रानी पुखरी चौक पर लोकेशन है, जिसको खाना है खाना आओ, बढ़िया करके टेस्ट, ठीक है, नॉन वेज भी है वेज भी है सब कुछ है, आना है आओ मजे से। ये हमारे जिया जी, खाना कैसा था, ओवर रेटिंग
जेन्युइनली खाने के लिए जो रेटिंग मिली बहुत पुअर मिली यहाँ पे, तो अभी एक दूसरे और पूछेंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे खाने के लिए? कैसा था दीदी खाना, कैसा था? जज्बात बदल दिया आपने तुरंत ही। देखो भाई टेस्ट कैसा खाने का? खाने में मजा नहीं है, मशरूम में मजा नहीं है। चलो कोई नहीं अगली बार देखें। सौंप दे दिया, फोन देख ले, फोन भूल जाता है। खाने के लिए दीदी खाना कैसा था? ये दीदी हमारी खाने की बात खराब नहीं करती। हाँ दीदी हमारी बहुत अच्छी है नेचर की, अगर कोई चीज़ गंदी भी हुई तो कॉम्प्लीमेंट्री अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो सीधे घर ही जाएंगे ना। तो ठीक है भाई, इसमें इतना ही था, अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बाय। और किसी को कोई रिव्यू देना है खाने के बारे में? क्या ऐसे नहीं देना, ओपनली बोलो फिर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लान्स बहुत हैं जिया जी के विद इन फ्यू डेज। मेरा बस यही कहना है कि हम लोग बुरी तरह से यहाँ पे आके फंस गए। अरे हमारे छोटे भाई जी का मूड खराब कर दिया। जिया जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। हमारे साथ का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि जो है मजा नहीं आया खाने में, कोई क्वालिटी। हाँ सबका एक ही कहना, सबका एक ही कहना कि खाने में मजा नहीं आया। और तो जिया जी खाना बहुत ही बेकार, एक भी लोग खाने से संतुष्ट नहीं। हाँ संतुष्ट नहीं हुए। तो भाई खाने के बारे में सुन लिया रेटिंग, फोटो वोटो के लिए बढ़िया है, खाना वाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो भाई। और क्योंकि रिव्यू यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं, थोड़ा सा बैड रिव्यूज मिले हैं। और पर ये है कि यहाँ पे जितने भी मोस्टली कॉमन, विक्कू भाई सही था नहीं था? एक और, चलो एक और मिल गया। अब बिल्कुल लिटरली अब तो हद होगी कि है। हाँ अब है, मतलब ऐसा सबने जो है रिव्यू अच्छे नहीं दिए खाने के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई इम्प्रूव करो थोड़ा सा खाना वाना, बाकी और कुछ नहीं। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।